कुत्ता अपना अपना इलाका बांटता है शेरों का इलाका कभी सुने वो पूरे जंगल का बादशाह नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज मैं हूँ आपके साथ आर एस कुमार हमारे साथ फिलहाल इस प्रेम में वो शख्स है जो बिहार के राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है सबसे पहले आनंद मोहन जी स्वागत है आपका धन्यवाद शिवहर में लगातार आप लोग अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कैसा चल रहा है लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है तो तैयारी तो स्वाभाविक है हम लोग सभी इस रण क्षेत्र में उतर चुके हैं हमारी तरफ से एनडीए की तरफ से घोषणा हो चुकी है लवली आनंद पूर्व सांसद वैशाली शिवहर से एन प्रत्याशी हैं स्वाभाविक है हम लोग अलग अलग टीमों में घूम रहे हैं और जबकि अभी प्रतिपक्ष ने घोषणा नहीं की है उम्मीद प्रत्याशी की उम्मीदवार की 25 परसेंट से ज़्यादा क्षेत्र और प्राय प्रखंडों का दौरा हम लोगों का समाप्त है एक राउंड का अच्छा जब आपको कैंडिडेट घोषित किया जा रहा था उस समय एक चर्चा जो काफी खास हो गया था कि भाई पहले यह सिवर बीजेपी का सीट हुआ करता था यहाँ से बैस उम्मीदवार लड़ा करते थे बैस में नाराजगी जो देखी जा रही थी उसको आप कैसे हैंडल करें कोई नाराजगी नहीं है वैश्यों में मीडिया में नाराज नाराजगी तैर रही है ये प्रायोजित नाराजगी है। सभी समझदार लोग हैं कि दिवेश चंद्र ठाकुर जी थे या संजय जायसवाल जीते या लवली आनंद जीती या दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा जीते प्रधानमंत्री चुनना है सबको नरेंद्र मोदी जी को ही इसलिए वैश्यों में कोई नाराजगी नहीं ना तो बीजेपी में नाराजगी ये सब प्रायोजित मैं तो जा रहा हूँ वैश्य समाज के बीच में कल भी रात में था और जब इसकी चर्चा किसी ने की तो बड़ी उत्तेजना में किसी ने कहा कि हम लोग मूर्ख नहीं हैं हम लोग जानते हैं कि यहाँ दूसरी कोई प्रत्याशी आएगी या आएंगे वो अगर जीतेगा तो उसका मत लालू जी के इशारे पर जाएगा राहुल जी को जाएगा और एनडीए का एक एक मत एक एक एमपी पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुनेंगे इसलिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं है अच्छा जागृत है सब समझदार हैं ये लोग दिवा स्वप्न ख्याली पलाव कहीं कहेंगे प्रतिपक्ष की योजना है कहीं कहीं कहेंगे राजपूत का सीट कट गया कहीं कहेंगे वैश्य का सीट कट गया कहीं कहेंगे कुशवाहा का सीट कट गया ये सब कोई बात नहीं बीजेपी की सीटिंग सीट थी ये सच है लेकिन सिटिंग सीट तो गया में जेडीयू की भी थी काराकाट में जेडीयू की भी थी जहाँ गठबंधन के नेताओं को एडजस्ट करना था तो वहाँ सीटें खाली की गई जेडीयू हटी वहाँ से जितन राम मांझी जो इस अलायंस के प्रमुख नेता हैं उनके लिए गया की सीट दी कुर्बानी दी आगे बढ़ के आ, हमारी पार्टी ने जेडीयू ने उसी तरह काराकाट की सीट जेडीयू की थी पार्टी ने तो वहाँ भी कुर्बानी दी वहाँ से हटे लोग उपेंद्र कुशवाहा जी को एडजस्ट किया गया इसलिए ये सब कोई बात नहीं है एडजस्टमेंट में और गठबंधन का अपना एक धर्म होता है गठबंधन धर्म के अंदर ये सब बातें हुई है और फिर जो लोग कहते हैं कि बीजेपी की सीट कट गई मैं उनसे पूछना चाहूँगा बड़ी विनम्रता से इस सर्वे हर सीटिंग एमपी के लिए करवाया गया तो तब बदलाव 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 की जो आवाज़ उठी लगातार पचासी परसेंट लोगों ने जो कहा वो किसका सर्वे था जेडीयू का सर्वे था या लोजपा का सर्वे था हम का सर्वे था या राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सर्वे किसका सर्वे था सर्वे बीजेपी का था बीजेपी के अंदर से आवाज बदलाव की उठी पचासी परसेंट लोगों ने हमारी भाभी के खिलाफ इस उम्मीद पर कि ये हटेंगी तो मेरा ही नंबर न आ जाए इस प्रत्याशा में लोगों ने किया तो ये सब और उस बेचारी का टिकट कटा अब एडजस्टमेंट के दरमियान ये सीट आ गई जेडीयू के खाते में और जेडीयू ने हम लोगों को बताया हम तो जा रहे थे औरंगाबाद हमको तो फीडबैक लेने के लिए पार्टी ने कह दिया था कि आप फीडबैक लीजिए औरंगाबाद वहाँ भी बीजेपी के सर्वे में वहाँ के जो एमपी थे उनके खिलाफ़ वातावरण था तो हम लोगों को कहा गया कि बीजेपी छोड़ रही है औरंगाबाद आप फीडबैक लीजिए सारे लोग जानते हैं कि हम लोग औरंगाबाद जा रहे थे और अचानक सुनाया गया कि नहीं आपको शिवहर लड़ना है तो ये गठबंधन धर्म में ये सब कुर्बानियाँ दी जाती है उसका पालन किया जाता है और ये सारे लोग वो शिवहर की पूरी जनता अर्जुन की तरह न तो मछली देख रही है न उसकी आँख देख रही है बस पुतली देख रही है और दिल्ली देख रही है इसलिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं है प्रायोजित है आप देखिएगा हमारे साथ घूमिए हम तो घूमते हैं वैसे समाज में और दलित में अति पिछड़ों में सब कराम कराम है टनाटन है सब अच्छा लालू जी का जो मंथन चल रहा है लगातार सीतामढ़ी शिवहर सीट पे उनका उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहा है कभी कोई नाम कभी कोई नाम लगातार चर्चा में आ रहा है आखिर क्या वो वो चर्चा एक बात की है कि किसी अधिकृत व्यक्ति ने कहा आरजेडी की तरफ से कि कागज़ की कमी है कागज़ में कमी है कागज़ की कमी है तो वही देखा जा रहा है तो कागज़ सब समझ रहा है किस कागज़ की कमी है वोटर आईडी की कमी है या और कुछ कमी है या सब इशारे इशारे में बता दिया गया है कि जो जितना कागज़ लेके आएगा बोरा में वो टिकट लेके जाएगा अब हार तो सुनिश्चित है हार तो जान रहे हैं कि आप लोगों का सर्वे है कि चालीस में चालीस सीटें एन गठबंधन को जा रही है तो भाई हार जब सुनिश्चित है तो दूसरा काम तो कम से कम हो जाए जिसके लिए ये लोग बदनाम हैं अब रेल मंत्री नीतीश जी भी थे ऐतिहासिक कार्यों को अंजाम दिया और रेल मंत्री दूसरे व्यक्ति लोग भी बने और गरीबों से जॉब के नाम पर जमीनें लिखाई गई तो ये सब पुरानी बातें हैं सब लोग समझते हैं किस कागज़ की कमी है और क्यों अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है अच्छा एक बात जब आप लोग जीत का दावा कर रहे हैं तो अगले पाँच साल में आप लोग शिवहर को किस स्तर से विकास करेंगे क्योंकि वहाँ अब तक रेलवे नहीं कनेक्टिविटी पहुँच पाई है वहाँ का एकमात्र रीगा चीनी मिल जो है वो भी काफ़ी समय से बंद है वहाँ लाखों की संख्या में ऐसे किसान हैं जिसका गुजर बसर वहाँ से चलता था वो सबको लेकर क्या प्लान है देखिए मैं एक बात बताऊँ कि जहाँ तक रेल का सवाल है सबसे पहले मैंने सदन में उठाया ये अंठानवे के आसपास की बात है जब वो रामविलास जी मंत्री थे सर्वे का ऑर्डर करवाया और फंड अलॉट करवाया ये काम मेरे रहते हुआ था बाद उसके ये विलम्ब होता चला गया किन कारणों से भगवान जाने लेकिन मैं ये मेरा पुराना एक सपना था कि जानकी धाम से भाया शिवर बापू धाम तक रेल लाइन ढाका होते जाए मोतिहारी से नहीं ढाका होते था। दूसरा था कि ढाका को पूर्ण जिला का जिला का दर्जा मिले ये महत्वपूर्ण घोषणा तीसरा था कि रीगा चीनी मिल जो है तो मैं आपको बता दूं हमारी पैनी दृष्टि इस तरफ है अगर हम चुने गए जीते तो डबल इंजन की सरकार में हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि मिल से धुआं उठे कारखाना फिर से मिल चले किसानों को राहत मिले ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी आपको मालूम कि इस दिशा में चेतन आनंद ने एक बार क्वेश्चन भी किया है असेंबली में कहिए तो मैं भिजवा दूँ और जबकि उसका ये क्षेत्र नहीं आता है वो हमने कहा था कि इस सवाल को उठाओ कलकत्ता की एक कंपनी आके लौट गई अभी आठ तारीख को बिडिंग है और दो कंपनियाँ महाराष्ट्र की तैयार है मिल्क वो ख़रीदने के लिए मैं समझता हूँ दोनों में एक किसी को लेना है और चुनाव बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि देर जो लगे लेकिन मेल चालू होगा चा, एक और मामला जो काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है शिवहर के लोग कह रहे हैं कि बाहरी बनाम स्थानीय का इस बार चुनाव का रुझान होगा बाहरी लोगों को वो लोग वोट नहीं करेंगे इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है इस पर क्या कहेंगे सब माहौल को हम आज से नहीं कहीं बहुत दिनों से सुनते आए हैं कौन कह रहे हैं अगर ये आरजेडी के लोग कह रहे हैं तो उनका नेता गोपालगंज के हैं और जीतते हैं कभी छपरा से कभी कोसी में मधेपुरा से उनकी बेटी जीतती है लड़ती है पाटलिपुत्रा से इसलिए अगर आर के लोग कहते हैं तो पहले अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए इसके पहले जो यहाँ उम्मीदवार था फैसल अली जी वो थे गया के तो पर उपदेशम पांडित्यम दूसरे पर छीटाकसी करने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए अगर वो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं तो पूछना चाहिए कि राहुल गांधी कहाँ के हैं और वहाँ केरल से जाके चुनाव जीतते हैं अगर वो बीजेपी के सज्जन हैं तो मैं कहूँगा कि अपने नेता का अनादर कर रहे हैं इसलिए नरेंद्र भाई मोदी है गुजरात के और जीतते हैं कहाँ से बनारस से तो ये सिर्फ आनंद मोहन पर लागू होता है और सुन लीजिए वीरों और नदियों की कोई जाति और स्थान नहीं होता वो जिधर से निकल पड़ता है वो नदी बन जाती है और जिधर ठहर जाता है झील बन जाता है तो ये सब संकीर्ण बातें हैं कायरता की बातें हैं ये बहानेबाजी है हर व्यक्ति अपने गांव से बाहर निकलने के बाद बाहरी होता है इन शब्दों में अगर को तोला जाए समझा जाए देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने गांव से बाहर जैसे निकलता है वो बाहरी हो जाता है तो इलाका तो शेरों का नहीं होता कुत्तों का होता है कुत्ता अपना अपना इलाका बांटता है शेरों का इलाका कभी सुने वो पूरे जंगल का बादशाह होता है पूरे जंगल में विचरण करता है वो एरिया नहीं बांटता इसलिए ये सब संकीर्ण और कायरतापूर्ण बातें तो अपनी बेवाकी से हमारे सभी सवालों का जवाब दिए इस वीडियो पे आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद